सफेद शांत वास्ट विविड बर्फ जैसी सफेद रेत को छू लो। वेलकम टू धोर्डो। नमस्कार भारत, यह है गुजरात का जियोग्राफिकल वंडर। सदियों पहले कच्छ क्षेत्र का एक हिस्सा समुन्दर के अंदर था, फिर कुछ ऐसे जियोलॉजिकल चेंजेस हुए जिसके कारण समुन्दर से एक विशाल सफेद रण का जन्म हुआ, और आज इस सफेद रण में हम बिखराएंगे योग के अनेकों रंग। भारत की आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर गुजरात के 75 स्थानों पर होगा योग, जुड़ेंगे लाखों लोग। आप भी योग करें, फिट रहें। आज हम सब योगी यहाँ आए हैं एक बहुत ही खूबसूरत और इम्पोर्टेंट मैसेज के साथ, सो लेट्स डू इट। उष्ट्रासन, ये आसन हमारे गले, पेट और पैरों की फिटनेस के लिए काफी सही है। गरुड़ासन, हमारे पैरों की मसल्स को स्ट्रॉन्ग और फ्लेक्सिबल बनाता है और लेजीनेस को दूर भगाता है। एक पाद अधोमुख श्वानासन, यह आसन हाथ, पैर और कमर से एक्सेस फैट को कम करता है और बॉडी को फटीग यानी थकावट नहीं होने देता। छोटे बच्चों को भी योग करना चाहिए? जी हाँ, 8 साल की उम्र में योगा शुरू करना वो सबसे बेस्ट रहता है, क्योंकि तब बच्चों का बॉडी अच्छे से डेवलप्ड हो रहा होता है। कच्छ की धरती सूखी जरूर है पर करुणा से भीगी हुई है। कहा जाता है कि यहाँ एक महापुरुष दादा मेकरण हुआ करते थे, जो रण में भटक जाने वालों को पानी भी पिलाते थे और सही रास्ता दिखाते थे। कच्छ आए तो लखपत फोर्ट, काला डूंगर, नारायण सरोवर, धोला वीरा, प्राग महल, आईना महल, कच्छ म्यूजियम और श्यामजी कृष्ण वर्मा मेमोरियल घूमना ना भूलें। कच्छ में हर साल रण उत्सव होता है जो विंटर्स में 3 महीने के लिए चलता है। कभी मौका मिले तो इस रण में पूनम की रात आइए, आप भी बोल उठेंगे कच्छ नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा। खुश रहें, योग करें, फिट रहें। जय हिंद। कजनों बरे मां।